गंदे पापड़ सीरीज की ये चौथी एपिसोड है और आज मैं अपना दूसरा सबसे पसंदीदा ये ना पापड़ लेके आया हूँ। अब मैं तकरीबन कोई 7-8 साल के बाद खाने लगा, ये मज़े का चक्कर इसका नाम है और स्कूल के टाइम में बहुत खाए हैं। और मुझे यार कमेंट्स में लाजमी बताना ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। 5 रुपये का ये, अभी भी 5 रुपये का ये, तब तकरीबन 1-2 रुपये का था। और आज जो ये खाते हैं और मुझे बड़े पसंद है, ये पापड़ नहीं है बेसिकली, करारियाँ होती हैं। और अभी मैं 10 खोलता हूँ, रात के इस टाइम 2 बज रहे हैं और खाते हैं तकरीबन 7-8 साल पुरानी चीज़ अपनी। और क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, पहले ना नाकों नाक आगे तक बढ़े होते थे, नाकों नाक मतलब कि फुल पैकेट भरा होता था। तो मैं इनको पहले डाल लेता हूँ, और बाहर आज इन्फ्लेशन भी इतनी हो गई है तो चलो कोई नहीं। और ये हमारा मज़े का चक्कर का लफाफा है, और पहले स्मेल कर लेते हैं। अच्छा, स्मेल बिल्कुल वैसी की वैसी ही है जैसी पहले होती थी। और मुझे याद है वो नान अलीम के साथ ना ये साद अंकल पकड़ा देते थे, और मैं खा के बताता हूँ किस तरह की है भी ये। दादी से क्या पता लग रहा है, टेस्ट तो भाई वैसे के वैसा ही है। और इस तरह नहीं हम खाते थे, तो बड़ा मैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से खा रहा हूँ। ये जैसे इसका खोल दे तो डायरेक्ट मुंह बंदा छाप छाप छाप, तो टेस्ट यार बिल्कुल वैसा है। और पट्टी फ्राई मुझे मिल नहीं रहे, बहुत अरसा हो गया वो भी खाए हुए। तो बाहर हा ये हमारे मज़े का चक्कर पापड़ है, और टेस्ट नहीं बदला बिल्कुल भी। और अगर आप लोग भी खाते तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना ये मज़े का चक्कर। मेमोरी रिकॉल हो गई यार, दोस्त याद आ गए जिनके साथ खाया करते थे। और आप लोगों की कोई सजेशन सजूशन हो तो मुझे वो भी कमेंट्स में देना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही। अल्लाह हाफिज़।